हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस क्लास 8 डीएवी के साइंस चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस की। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिलअप है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज डैश इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में क्या रिलीज करती हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में। डैश इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। आंसर इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। थर्ड है हमारा एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन इन एडोलेसेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ डैश बाय द डैश ग्लैंड्स। एक्ने एंड पिंपल्स काफ़ी नज़र आते हैं एडोलेसेंस एज में बच्चों के चेहरे पे, तो इसकी सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड करती है और क्या सिक्रीट करती है? द आंसर इज सिक्रीशन का नाम है ऑयल, और जो ग्लैंड का नाम है वो है सेबेशियस ग्लैंड। तो इसका आंसर आएगा प्रोडक्शन ऑफ ऑयल बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स, क्योंकि उस उम्र में सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं स्किन पे, इसीलिए एक्ने और पिंपल्स दिखाई देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द बॉडी। आंसर आएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। फिफ्थ है डैश हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस टू हैपन इन अ फ्रॉग। आंसर इज थायरोक्सिन। फ्रॉग को मेटामॉर्फोसिस करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ है डैश आर क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। आंसर इज ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। आगे आता है मैच द फॉलोइंग, जहां एक तरफ इन्होंने ग्लैंड्स के नाम दिए हैं वहीं दूसरी तरफ हॉर्मोन्स के नाम दिए हैं। तो आंसर आएगा ओवरी जो है वो रिलीज करती है प्रोगेस्ट्रोन को, पैंक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को, एड्रिनल रिलीज करता है एड्रिनलिन हॉर्मोन को, टेस्टस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन को, और थायराइड रिलीज करता है थायरोक्सिन हॉर्मोन को। आगे आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन है हमारे सी पार्ट। द पीरियड ऑफ लाइफ मार्क्ड बाई रैपिड चेंजेस लीडिंग टू सेक्शुअल मेच्योरिटी इज नॉन एज। हमारी लाइफ का वो पीरियड जब हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन की काबिल हो जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस एज को क्या कहा जाता है? द आंसर इज प्यूबर्टी। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल इज नॉन एज। जब किसी ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? द आंसर इज मेनार्क कहा जाता है उसको। आगे आता है जो हॉर्मोन स्ट्रेस हॉर्मोन स्ट्रेस के वक्त रिलीज करती है हमारी बॉडी, उसको क्या कहा जाता है? द आंसर इज एड्रिनलिन हॉर्मोन। इसको एमरजेंसी हॉर्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ पार्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन दैट डज नॉट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स इज द डैश। इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो हॉर्मोन रिलीज नहीं करती? द आंसर इज सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज नहीं करती। जो मिनरल टेडपोल को फ्रॉग में ग्रो करने में हेल्प करता है वो कौन सा मिनरल है? द आंसर इज आयोडीन। फ्रॉग को कंप्लीटली ग्रो करने के लिए आयोडीन की जरूरत चाहिए पड़ती है। आगे आता है आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ डी पार्ट। एडोलेसेंस का मीनिंग बताना है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये वो एज है जब हम बच्चे से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, इसको टीनेज भी कहा जाता है, और इस एज में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें रिप्रोडक्टिवली मेच्योर बना देते हैं। प्यूबर्टी की डेफिनेशन दे दीजिए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी को इफेक्ट कर सकते हैं। एडोलेसेंस के स्टार्टिंग फेज को, जिसमें हमारे अंदर बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ड्रामेटिक इसलिए कहा है क्योंकि इस तरह के चेंजेस किसी और एज ग्रुप में नहीं आते हैं, इस एज को प्यूबर्टी कहा जाता है। आगे आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी लीड टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। प्यूबर्टी के वक्त आने वाले चेंजेस सेक्सुअल मेच्योरिट बना देते हैं हमें। प्रॉपर डाइट, जीन्स और एनवायरमेंट इफेक्ट करता है हमारे प्यूबर्टी एज को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली अपना सिक्रीशन, अपना हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं, उनके पास स्पेशल डक्ट्स नहीं होती, इसीलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। आगे आता है व्हाई डू टेडपोल्स ग्रोइंग इन आयोडीन डेफिशिएंट वाटर्स फेल टू ग्रो इन टू फ्रॉग्स। अगर टेडपोल्स आयोडीन डेफिशिएंट वाटर्स में ग्रो करते हैं, अगर टेडपोल्स आयोडीन डेफिशिएंट वाटर में रहते हैं तो वो फ्रॉग्स में चेंज क्यों नहीं हो पाते हैं? आयोडीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए,
और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस करवाता है फ्रॉग के अंदर, टेडपोल के अंदर। अगर पानी में आयोडीन की कमी है तो इससे थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी, और अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा और टेडपोल फ्रॉग में डेवलप नहीं हो पाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो गोनेट्स होते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, मेल्स में जो टेस्टिस और उसके बाकी ऑर्गन्स हैं, और फीमेल्स में ओवरीज जो होते हैं उनकी मैच्योरेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रोल प्ले करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रॉफिक हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो गोनेट्स की डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इम्पोर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो स्टिम्युलेट करती हैं ओवरीज और टेस्टस को अपने अपने सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। ओवरीज को ऑर्डर मिलता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन रिलीज करने का, टेस्टस को ऑर्डर मिलता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है करने का, और यही हॉर्मोन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी लेके आते हैं एडोलेसेंस में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वुमेन अबाउट 50 आर अनेबल टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द सेम। 50 साल से ऊपर की महिलाएं अक्सर बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, इसका कारण बताइए। मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्सर 50 एज अटेन करने तक महिलाओं में रुक जाता है, ठीक है, महिलाओं में 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज के आसपास मेनोपॉज आ जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्सुअल साइकिल रुक जाता है। जब ये सेक्सुअल साइकिल रुक जाता है वीमेन में तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, अब वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल नहीं रहती। इसी कारण 50 साल से ऊपर की महिलाएं अक्सर बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। आगे आता है ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड लिस्ट द चेंजेस विच ऑकर इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। मेल्स और फीमेल्स में कौन कौन से बदलाव आते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान। सबसे पहले बताते हैं चेंजेस इन मेल्स, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और बॉडी जो होती है वो मस्कुलर हो जाती है उनकी, लड़कों की। उसके बाद हेयर्स ग्रो हो जाते हैं फेस पे, आर्मपिट्स में और प्यूबिक रीजन में, टांगों के बीच में। गोनेड मैच्योर हो जाते हैं यानी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, मेल गैमेट्स प्रोडक्शन शुरू हो जाता है इनमें। हाइट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, हाइट एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है इस उम्र में। वॉइस बिकम्स डीप, और डीप वॉइस, ठीक है, भारी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फीमेल्स में कौन कौन से बदलाव आते हैं वो पढ़ते हैं हम। हिप्स बिकम वाइड, जो हिप्स होते हैं उनके वो वाइड हो जाते हैं। ब्रेस्ट गेट एनलार्ज्ड, ब्रेस्ट जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। हेयर्स डेवलप अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में और आर्मपिट्स के नीचे, ठीक है, बाहों के नीचे जो हैं बाल आने शुरू हो जाते हैं। अरुण और उसकी सिस्टर अरुणिमा दोनों टीनेजर्स हैं। अरुणिमा जो है वो अपनी नेक पे एक स्वेलिंग महसूस करती है कि उसके नेक पे स्वेलिंग आ रही है। इस स्वेलिंग की वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर आप कहता है कि आपको एक डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई है, और उसको मेडिसिन दे देता है, दवाइयाँ दे देता है, और इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशंस यानी खाने में भी उसको कई सुझाव देता है कि आप खाने में ये चीज़ें खाइए, ठीक है। कुछ महीनों बाद अरुण भी एक छोटी सी प्रोट्रूजन का मतलब होता है उभार, अपने गले में एक छोटा सा उभार महसूस करता है थ्रोट में, और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये सब नॉर्मल है लड़कों में, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, अरुणिमा को कौन सी डिजीज़ हुई थी और इसका कॉज बताइए। अरुणिमा को गोइटर डिजीज़ हुई थी, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कम होता है इस डिजीज़ में। अच्छा, अरुण को डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह क्यों नहीं दी थी। एडम्स एप्पल डेवलप हो रहा था अरुण में, बॉयज़ में एडम्स एप्पल डेवलप होना एक नॉर्मल बात है, इसलिए अरुण को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। आगे आता है, जो अनबोर्न चाइल्ड है उसका सेक्स भी वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिटरमाइन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, ये हमें बताना है इस टॉपिक में। देखिए, जो सोमेटिक सेल होती है, सोमेटिक सेल का मतलब जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में, नॉर्मल सेल्स आंखों की, स्किन की, टांगों की, इनके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन 23 पेयर में से एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, और बाकी बचे 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जो स्पर्म आता है मेल्स से और जो फीमेल से आता है ओवम, उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी बच्चे के अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे
उसके अंदर से 23 क्रोमोसोम्स तो मिलेंगे फादर के और 23 मिलेंगे मदर की। और जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो, देखिए मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो मदर होती है उसके सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है XX, और जो फादर होता है उसके क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है XY। इसीलिए जब मदर कंट्रीब्यूट करेगी तो वो एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूट करेगी। और जो स्पर्म्स होते हैं, कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ स्पर्म्स के अंदर वाई होता है। तो अब स्पर्म पे डिपेंड करेगा, अगर एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज करते ओवम को तो XX कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लड़की होगी। और अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को तो XY कॉम्बिनेशन हो जाएगा और होने वाला जो बच्चा है वो लड़की होगी। तो स्पर्म, एक्स कंटेनिंग स्पर्म अगर कामयाब होता है फर्टिलाइजेशन में तो लड़की हो जाएगी, और अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमंस में। एनलिस्ट द इवेंट्स दैट रेगुलरली अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज। उन इवेंट्स की जानकारी दीजिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीरियोडिकली होते हैं मेनोपॉज आने तक, यानी यहाँ हमें सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स का जिक्र करना है। देखिए अक्सर फीमेल्स में एक साइकिल ऑफ इवेंट्स होता है जो 28 डेज में, हर 28 डेज में जो है रिपीट होता रहता है, और इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर सेक्सुअल साइकिल। वैसे तो ये जो पीरियड होता है स्टूडेंट्स, ये 28 डेज का होता है, लेकिन ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, इस पीरियड में जो बिगनिंग होती है सेक्सुअल साइकिल की, उसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो एक थिक लाइनिंग डेवलप कर लेता है, ताकि अगर प्रेग्नेंट हो जाए फीमेल तो बच्चे को सपोर्ट किया जाए, बच्चे को यूट्रस को ही सपोर्ट करना होता है। और ओवरीज जो होती है वो ओव्यूलेशन करती है, यानी एक एग रिलीज करती हैं इन इस पीरियड में एक बार ही, ठीक है। और ये जो एग होता है ये ओवरी में रिलीज होने के बाद ओविडक्ट में जाता है और वेट करता है स्पर्म के आने की और फर्टिलाइज हो जाने की। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता नहीं होता है तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है और जो यूट्रस की लाइनिंग है ये टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं इसके, टूट जाती है और वेजाइना के थ्रू ये बाहर आ जाती है। और लगभग 3 से 6 दिन तक फीमेल को ब्लीडिंग आती रहती है, ये यूट्रस की लाइनिंग और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस, ये ब्लड फ्लो हो जाने के बाद दोबारा फिर से अगला साइकिल शुरू हो जाता है, यूट्रस की लाइनिंग खुद को डेवलप करती है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, और जो ओवरीज है वो एग रिलीज करती हैं, एग वेट करता है ह्यूमन स्पर्म के आने का, अगर स्पर्म नहीं आ पाता है तो फिर से ब्लड फ्लो होता है, यूट्रस लाइनिंग और अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ये होता है सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। अब हमें बताना है एक्सरसाइज और गुड पर्सनल हाइजीन की इंपॉर्टेंस बतानी है एडोलेसेंस एज में। एक्सरसाइज वैसे तो हर एज ग्रुप के बंदे के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन एडोलेसेंस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी होती है अपनी बॉडी को गुड कंडीशन में रखने के लिए। इससे उसकी बॉडी को ऑप्टिमम ग्रोथ यानी प्रॉपर ग्रोथ मिलती है उसकी बॉडी के हर पार्ट को। एडोलेसेंस पीरियड में सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं और स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा पसीना निकालती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पिंपल्स और एक्ने हमारे फेस पे कील मुहासे दिखने शुरू हो जाते हैं, शरीर से बॉडी ओडर यानी पसीने की बदबू आती है शरीर से। इसीलिए गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन प्रॉब्लम से निपट सकें। लड़कियों को भी सेक्सुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान काफ़ी ख्याल रखना चाहिए अपनी पर्सनल हाइजीन का, साफ सफाई रखनी चाहिए। आगे आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या बताया है, अमित और सुमित दो दोस्त हैं, अमित जो है वो क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन जंक फूड ज़्यादा खाता है, ठीक है, फ्राइज पास्ताज बर्गर्स खाता है लंच में भी और डिनर में भी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दूध वगैरह नहीं लेता है। सुमित अपने दोस्त के बारे में काफ़ी चिंता करता है, वो अपने दोस्त को समझाता है कि तुम अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे अगर तुम इसी तरह का खाना खाते रहोगे, अगर तुम ऐसा खाना खाओगे तुम एक अनहेल्दी एडल्ट बनोगे, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाओगे। अमित जो होता है अपने दोस्त की बात मान के अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करता है और अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करता है। तो
तो हमें सुमित ने कौन कौन सी वैल्यू शो की है इसमें। सुमित जो होता है वो अपने फ्रेंड के लिए कंसर्न्ड है, यहाँ पे अपने फ्रेंड का सही फ्रेंड है, वो ट्रू फ्रेंड है अपने फ्रेंड का। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अमित को एडल्ट होने पे अगर वो ऐसा ही खाना खाता रहे तो। अमित ओबीज हो सकता है, नहीं मोटा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है उसको, हाइपरटेंशन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है उसको, कैल्शियम की कमी हो सकती है उसकी बॉडी में। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी किसी की डाइट में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं इनसे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, मिल्क से कैल्शियम मिलता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और मिल्क ये बैलेंस डाइट का एक अहम हिस्सा है। बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए अगर हम अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो। और ये चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एडोलेसेंस एज में। फोर्थ क्वेश्चन में स्ट्रीट प्ले ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है, ये हम ऐसे आपको नहीं समझा सकते, ये डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी बुक एक्सरसाइजेज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।